विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने निबूचौर स्थित अपने आवास पर कोटद्वार विधानसभा के विकास कार्य को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण वर्मा ने ऋतु वर्मा से पूर्व सभी विभागीय अधिकारियों को तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके तहत ही विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों की बैठक बुलाकर संबंधित अधिकारियों को पेयजल की समस्या को दुरुस्त करने के लिए पेयजल विभाग को ग्राउंड जीरो पर कार्य करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी ट्यूबवेल की मोटर खराब हो रही है उसे जल्द से जल्द सही किया जाए ताकि लोगों को पीने का पानी की समस्या ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटद्वार वासियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से 10 साल देश विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ा है वैसे ही आगे भी बढ़ना रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की जनता को उनकी कार्यशैली पर विश्वास हुआ, उनके कार्य करने में चाहिए तरीका विश्वास हुआ और पांचों सीटें हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी। नमन और धन्यवाद करना चाहती हूँ जनता उत्तराखंड की जनता का कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली उनकी राष्ट्रभक्ति उनके विकास की सोच पर एक तगड़ा मोहर लगाते हुए 5 सीटें यहाँ से होती है, मजबूत कंधा उन्होंने यहाँ से प्रधानमंत्री जी को दिया है तो बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद पूरी उत्तराखंड की जनता का। हमारी जो सांसद जी हैं आदरणीय अनिल बलूनी जी को भी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। कोटद्वार की जनता ने उन्हें जबरदस्त मार्जिन से यहाँ से जिताया है, नंबर 1 हमारा मार्जिन रहा है तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से वो यहाँ पर फेंके गए हैं वो कोटद्वार के विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर है।